ये वाई प्लस सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए है। इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। लोकसभा चुनाव 2024 का रण सच चुका है और सभी पार्टियां अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने में लगी हुई हैं। यूं तो लोकतंत्र का ये महापर्व सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए किसी बड़ी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है, लेकिन कुछ लोकसभा सीटें ऐसी भी हैं जहां कांटे की टक्कर होने के साथ ही मुकाबला काफी दिलचस्प भी है। और ऐसी ही सीटों में से एक है हैदराबाद की तेलंगाना लोकसभा सीट, जहां AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के मुकाबले में बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता पूरे दमखम के साथ हुंकार भर रही हैं और आए दिन अपने बयानों से ओवैसी की पेशानी की शिकन बढ़ाती नजर आ रही हैं। दरअसल हाल ही में एक बार फिर माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी पर तीखा कटाक्ष करती दिखी। उन्होंने कहा कि उन्हें सच्चाई के लिए लड़ने के लिए वाई प्लस सुरक्षा प्रदान की गई है। लता ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की दोस्ती राजाओं के समूह से है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तो वो चुप रहते हैं। यही नहीं, माधवी ने मुख्तार अंसारी संग ओवैसी की दोस्ती को लेकर भी जमकर निशाना साधा। ये वाई प्लस सिक्योरिटी सिर्फ एक इंसान से एक सच्चाई की लड़ाई को बचाने के लिए दिए है। वो इंसान जिनका नाम असद जी है, जो एक पहलवान के बेटे को जेल में डाल सकते हैं, वो असद जी जिनके दोस्ती किंग्स ग्रुप से हो सकता है, वो असद जी जो वक्फ बोर्ड के लैंड कब्जे होने पर भी चुप रहते हैं, वो असद जी जो शमशाने तोड़ने पर चुप रहते हैं, वो असद जी जो SC ST पारदीवाड़ा के औरतों पर जुल्म होने पर चुप रहते हैं, तो अब तो हमको सोचना पड़ेगा ना भैया कि किस किस को पाल कर बड़े कर रहे हैं वो। पहली बात तो जो दूसरों को डेथ थ्रेट्स देते हैं उनको कौन है भैया डेथ थ्रेट देने वाले? उनका तो दोस्ती मुख्तार अंसारी जी से है ना। देखिए तो सही उनकी दोस्ती क्या लेवल पे है। आईएसआईएस लोगों से है, मुख्तार अंसारी से है, हाँ किंग्स ग्रुप से है। वो भला इनको दे दे डेथ थ्रेट साहब। और दूसरी बात, करते हैं इतने बड़े बड़े काम और 40 साल से बोलते हैं हमारा गढ़ है और बोलते हैं उनको डेथ थ्रेट है और ऊपर से बोलते हैं मुर्गी नहीं है। ऐसे पहली बार बताए उनको मुर्गी किसने कहा? खुद तो कह ले रहे अपने आप को मुर्गी। जब खुद को मुर्गी समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, तो हम भी क्या कर सकते साहब? हम भी कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर सकता। हम मुर्गी जाने क्या कर सकती है, मुर्गी क्या नहीं कर सकती है। 40 साल MP रहने के बावजूद आज अपने आप को मुर्गी के हैसियत पे ला लिए हैं, तो कुछ तो सच्चाई है जो बाहर निकल रही है। मैम, कल कांग्रेस के मैनिफेस्टो रिलीज करते वक्त राहुल गांधी जी ने कहा था कि BJP नफरत फैला रहा है और उनके मैनिफेस्टो लोगों का दिल में जो इच्छा है वही बता रहा है। जो BJP लोगों के दर्द समझने के लिए इतने ढेर सारे आयोजना निकालते हैं, जो अनपढ़ औरतों के लिए भी हैं, जो जिनके घर में रोजी रोटी नहीं चलती है उनके लिए भी योजनाएं हैं, लड़की जन्म होती है तो उनके लिए योजना है, लड़का बड़ा होता है लेकिन उसको पढ़ाई नहीं रहती है स्ट्रीट वेंडर बन जाता है तो उसके लिए भी योजना है, जिसके पास घर नहीं है उसके लिए भी योजना है, और जो हिंदू नहीं है मुसलमान की बेटी है उसके दर्द और आंसू के लिए भी एक ट्रिपल तलाक इंस्टेंट रद्द हो जाता है। और ये करते हैं ऐसे लोगों के बारे में जब कांग्रेस बात करती है, कहाँ गई थी ये कांग्रेस जब इमरजेंसी निकाली है? बहुत सारे उस वक्त भाजपा और RSS के कार्यकर्ताओं को सलूट की है। इतिहास है भैया, ये कोई नहीं भूलेंगे। हमको इमरजेंसी भी याद है, तमिल मिलिटेंट्स को तो वहाँ पे वो लोगों के खिलाफ गए, श्रीलंका के तरफ गए। इतिहास समझा रहा है,
जब वो थे इतने लड़ाइयाँ, जब मोदी भाई है शांति ही शांति चारों तरफ, ये लोग जलते हैं साहब ईर्ष्या से भर 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 के कुट कुट में ना, इनको समझ में ही नहीं आ रहा अभी क्या करना है आगे। मैं मोदी जी ने आपको आपके आपकी अदालत एपिसोड की बहुत तारीफ की है ट्विटर पे, उन्होंने पोस्ट किया कि सब लोग ये देखना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्या कहना है? मोदी जी ने आपको बहुत तारीफ किया। हम यही कहते हैं कि एक प्रधानमंत्री जो सच्चाई के साथ ठहरते हैं, जो ऐसे प्रधानमंत्री जो झूठ पसंद नहीं करते, ऐसा एक महान योगी का कहना है साहब, ये देखिए यहाँ सच बाहर निकल रहा है, पर्दाफाश हो गया है, यह है असली सच जिस गढ़ से हमने एक शेरनी को चुना है, उसी शेरनी के मुंह से सुनिए, सिर्फ इमोशनल बात नहीं प्रूफ के साथ सुनिए आप। हम असद भाई जी के जैसे नहीं है बिना प्रूफ के आके बात करने के लिए, हम प्रूफ के साथ आते हैं भाई। अभी ऐसे बहुत सारे प्रूफ हमारे पास है, भारत के जनता को इंतजार करना पड़ेगा, एक 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 बाहर निकालेंगे। आपको बता दें कि माधवी लता का ये बयान ओवैसी की उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें मुख्तार अंसारी की मौत के बाद ओवैसी ने दावा किया था कि सोशल मीडिया के जरिए उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। साथ ही उन्होंने कहा था कि वो मुर्गी का बच्चा नहीं है जो किसी की धमकी से डर जाए। उनके इसी बयान पर माधवी लता ने पलटवार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।